राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार की तस्वीर निकल कर आई थी राजेंद्र नगर टर्मिनल से, जहां एक बड़े हुजूम में छात्र स्टेशन पहुंचे और कई ट्रेनों के आवागमन को रोक दिया। इसको लेकर अब पटना के डीएम ने अपना बयान जारी किया है। बता दें आपको कि पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा है कि निश्चित तौर पर कल जो राजेंद्र नगर टर्मिनल पर हुआ उसको लेकर जिला प्रशासन एक्टिव है और सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही कई जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर एफआईआर की गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आने वाले समय में कई और स्टूडेंट्स के ऊपर एफआईआर किया जाएगा। इसके साथ ही डीएम ने कहा है कि कई जो कोचिंग संस्थान हैं उन पर भी हम नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि कई जो कोचिंग संस्थान हैं उन्होंने भी स्टूडेंट्स को उकसाया था, जिसका परिणाम कल राजेंद्र नगर टर्मिनल पर निकल कर आया। वहीं बात की जाए तो सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक बहुत चर्चित शिक्षक खान सर भी जिला प्रशासन के रडार पर हैं। बता दें आपको कि लंबे वक्त से खान सर जो स्टूडेंट्स हैं उनके समर्थन में बयानबाजी कर रहे थे। ऐसे में अब जब डीएम ने अपना बयान जारी किया है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में खान सर के ऊपर भी जो एफआईआर है वो हो सकती है। क्या कुछ कहा है डीएम ने, आप सुने। मैं तो मामला रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का है और बोर्ड ने कुछ क्लेरिफिकेशन भी दिया है जो आया है, हम लोग देख रहे हैं अखबारों में भी और अन्य मीडिया में भी आया है। तो कोई शिकायत है तो अपना उसके सामने बात को लोग रखें और बोर्ड जो नियमानुसार है क्लेरिफाई करेगा। हम लोग विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से इस मामले को देख रहे हैं, कहीं भी विधि व्यवस्था अगर भंग होती है और आम जनजीवन प्रभावित होता है उससे, तो वो हम लोगों की जिम्मेदारी है उसको रिस्टोर करना, उस दृष्टिकोण से हम लोग देख रहे हैं। कल की जो घटना थी राजेंद्र नगर रेलवे टर्मिनल पर स्टेशन पर, तो वहाँ लगभग 4.5 घंटे से सभी ट्रेनों को रोक करके और जाम करके रखना, बहुत समझाने का भी प्रयास हुआ, कई बड़े पदाधिकारी गए, लास्ट में हम लोगों को भी जाना पड़ा और उसके बाद भी नहीं मानना। और उसमें 5 घंटे से बंधक बने हुए हैं, पैसेंजर्स हैं, उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार लोग हैं, तो सबकी सुविधा असुविधा का ध्यान रखना चाहिए। आपको प्रतीकात्मक कुछ विरोध है तो अपना दर्ज कराइए, लेकिन बाकी लोगों की और जो जन सामान्य हैं उनकी भी सुविधा असुविधा को ध्यान में रखना चाहिए, यही अनुरोध है हमारा सभी लोगों से। और विधि व्यवस्था कहीं भी भंग होगी तो उससे हम लोग बहुत ही सख्ती से निपटेंगे और उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। और राजेंद्र नगर की घटना को लेकर के भी 2 FIR दर्ज हुआ है, उसमें एक GRP ने दर्ज किया है और बाकी जिला प्रशासन ने भी दर्ज किया है, उसकी जाँच हम लोग कर रहे हैं और वीडियो फुटेज बहुत ढेर सारे आए हुए हैं, उनसे भी हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं। कुछ कोचिंग संस्थानों की संलिप्तता भी सामने आई है और प्रवोक कर रहे हैं लोगों को, उसकी भी जांच हम लोग कर रहे हैं, उनको भी FIR में लिया गया है। तो जो लोग भी हैं विधि व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेंगे तो उनके विरुद्ध हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। अपना शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना है तो रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर, कई जाने माने चेहरे जो हैं वो भी लगातार बयान दे रहे हैं और राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है, क्या आपको सही लग रहा है, इसे आपको नहीं लगता विधि व्यवस्था और जो है खराब है? नहीं, ये हम लोग तो सिर्फ इस समस्या को सिर्फ हम लोग विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जहाँ भी विधि व्यवस्था भंग होगी या आम जनजीवन प्रभावित होगा तो हमारी जिम्मेदारी है उसको रिस्टोर करना, उसको हम लोग करेंगे। बाकी इसके मेरिट में हम लोग नहीं जा रहे हैं, तो रेलवे बोर्ड को करना है, रिस्पॉन्ड करना है और जो लोग हैं एजिटेटेड उनको अपनी बात उचित फोरम पर उचित ढंग से रखें और जनजीवन आम जनजीवन अगर प्रभावित होगा तो उसको रिस्टोर करना हम लोगों की जिम्मेदारी है, उसको पूरी सख्ती से और पूरी ताकत से रिस्टोर किया जाएगा। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।